छोटी सालाड़ी में कई मामलों में फरार चल रही स्थायी वारंटी को पकड़ने गए पुलिसकर्मी पर परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिसके चलते पुलिसकर्मी के सिर में काफी गंभीर चोट आ गई है, जिसके बाद में पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआई रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि छोटी सालड़ी में पुलिस थाने में विभिन्न मामलों में फरार चल रहे कारुंडा ग्राम पंचायत में स्थित चौकीखेड़ा गांव निवासी गोपाल पुत्र मनालाल मीणा की सूचना मिलने पर बीट कांस्टेबल जोगाराम जब चौकीखेड़ा गांव में गोपाल मीणा को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंचे तो उसके परिजनों ने जोगाराम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते जोगाराम के सिर में काफी गंभीर चोट आ गई है। घायल जोगाराम ने तुरंत अपने सिर को एक कपड़े से बांधकर घायल अवस्था में ही पुलिस थाने में सूचना दी गई, जिस पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल कांस्टेबल जोगाराम को छोटी सादड़ी चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जिसका चिकित्सालय कर्मियों ने उपचार शुरू कर दिया गया है। इस दौरान अस्पताल में रविंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक शिव सिंह चौहान सहित पुलिसकर्मी मौके पहुंचे और घटना की जानकारी भी ली गई। छोटी सादड़ी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।